जनता से इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं। क्या केजरीवाल अपनी पार्टी में भाई भतीजा बात कर रहे हैं? वही ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर RTI एक्ट में चल रही गड़बड़ियों का संज्ञान लेने के लिए कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिल्ली तक। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा RTI एक्ट 2005 को ढंग से लागू नहीं करने की बात की है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार वास्तविक जानकारी को रोके रखती है और भ्रामक जानकारी साझा करती है। LG ने इस मामले में नियमों के अनुसार जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर ही RTI एक्ट के दम पर चालू हुआ था। अब उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार इस एक्ट के संचालन में सबसे बड़ी रोड ब्लॉक के रूप में काम कर रही है। CIC ने दिल्ली सरकार की विफलता की ओर इशारा किया है। ये अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को छुपाने के लिए किया जा रहा है। वास्तव में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में उनकी विफलता को दिखाता है। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि CIC के इस खत के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जल्द से जल्द एक्शन लेने को कहा है। हालांकि अभी इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। इस खत में ये भी बताया गया है कि कुछ विभाग जैसे रेवेन्यू, PWD, कॉरपोरेटिव तथा स्वास्थ्य और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ ऐसे विभाग जो सीधे जनता से जुड़े हैं, वो या तो आम जनता के सवालों को काफी दिनों तक टाल देते हैं या फिर सूचना देने से इनकार कर देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि जनता को गुमराह करने के लिए गलत सूचनाएं भी दी जाती हैं। अब आयुक्त ने इस खत में ये भी कहा है कि जन सूचना अधिकारी कमीशन के पास उपस्थित नहीं होते और ना ही अपने किसी स्टाफ या अन्य कर्मचारी को यहाँ भेजते हैं। इस खत के साथ साथ CIC ने कुछ ऐसे कागजात भी अटैच किए हैं जिससे पता चलता है कि सूचना देने में लापरवाही बरती गई है या फिर गलत जानकारी दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जब इस पर LG विनय कुमार सक्सेना ने जल्द से जल्द कार्रवाई और छानबीन की बात कर दी है, तो क्या एक बार फिर से ट्विटर पर LG वर्सेस केजरीवाल का हैशटैग ट्रेंड होता है या फिर नहीं, और किस तरह से दिल्ली सरकार इस पर रिएक्ट करती है? बहरहाल इस खबर में बस उतना ही, लेकिन इस पूरे खबर पर और इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।